Hey, what's up guys, this is Suraj and welcome back to my YouTube channel Jarus Vlog. So, ये जो भाई साहब है, भाई साहब यहाँ पे आओ. ये जो बॉक्स दिख रहा है आप लोगों को, इस बॉक्स को अगर ये वाला लिखा हुआ जो है फ्लिपकार्ट, इसको छुपा देते हैं और ये जो स्टिकर वगैरह है इसको भी हटा देते हैं. सो ये सिल्वर प्ले बटन या गोल्डन प्ले बटन का याद दिलाएगा आप लोगों को. तो जो भी हो, मेरा तो अभी तक 100 के अभी तक नहीं हुआ, तो सिल्वर प्ले बटन का कोई नामो निशान है नहीं. सो हमने ये क्या किया, फ्लिपकार्ट से अपने बाइक के लिए पार्सल ऑर्डर किया था. और कौन सा पार्सल है ये, कौन सा प्रोडक्ट है वो आप लोगों को दिखा देते हैं एक बारी. ये वाला प्रोडक्ट है बालाजी का बोथ साइड रेंज. हमने अभी क्या किया है कि ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों जगह से कुछ कुछ सामान मंगवा रहे हैं, क्योंकि होप कि इस साल का एक बड़ा राइड होने वाला है. तो दो साल से सोचे जा रहे हैं, अगर इस साल में ये पॉसिबल हो गया तो धीरे धीरे सामान जो खरीद के इकट्ठा कर रहे, अगर पॉसिबल हुआ तो इस साल पे वो ट्रिप होने वाला है. सो चलो अनबॉक्स करते हैं इसको. बिना अनबॉक्स का तो हम लोग का यूट्यूब में जर्नी जो है आगे बढ़ेगा नहीं. सो चलो दिखाते हैं प्रोडक्ट क्या है, कैसा देखने में, कैसा क्वालिटी है और किस प्राइस रेंज में हम लोग को ये मिला है ऑनलाइन. आज हम नीचे बैठ के अनबॉक्सिंग करने वाले हैं, गर्मी में क्या किया जाएगा, हर वक्त एक ही. नेक्स्ट वीडियो जो आएगा वो घर वाला वीडियो है ना, इसी कारण मैं आज नीचे बैठ के अनबॉक्सिंग करूंगा. सो चलो आएगा वो, वो, वो. यस, बॉक्स के अंदर बॉक्स. ये देखो यहाँ पे कुछ डिटेल्स दिया हुआ है, ब्रांड नेम, मॉडल नेम, प्राइसिंग, कलर एक्सेट्रा वगैरह वगैरह. सो इसको भी ओपन किया जाए. सो फाइनली ओपन हो गया फाइनल बॉक्स हमारा. इसके अंदर जो प्रोडक्ट है, निकल भाई साहब निकल, ये क्या है. इसमें हमारे को सिर्फ पिक्चर मिला है और असली प्रोडक्ट ये वाला है. ये रहा हमारा आज का प्रोडक्ट, बालाजी कंपनी का बोथ साइड रेंज. सो इसको पहले अनरैप कर लेते हैं. सो देखने में कुछ ऐसा है और यहाँ पे इसको हम खोल लेते हैं. सबसे छोटा है हमारे को 7 और 9 नंबर का रेंज मिलता है, उसके बाद 8 नंबर, उसके बाद 9 नंबर. ये क्या है, इसका हालत देखो, 13 टुकड़ा हो गया है. उसके बाद 10 नंबर, उसके बाद 12 नंबर, उसके बाद 13, थर्टीन का 2, 14, 15, 16 कहाँ गया, 16 नहीं है, 17, 19 और लास्ट में 22.
आप लोग बताओ कि इसमें से मिट्टी कौन सा है। मेरे को 16 नहीं दिख रहा है, 16 होता भी है या नहीं है वो भी मेरे को नहीं पता है। हाँ, इसमें से 1, 2, 3, जैसे कि ये 8 नंबर वाला रेंज, 6 नंबर वाला रेंज और ये 13 वाला रेंज, ये तीन जो है ये थोड़ा सा हम लोग मेरे को ख़राब लग रहा है क्योंकि ये अपने सेप पे नहीं है। देख रहे हो इसका हालत, देखो ये देखो, और ये भी वैसे ही है ऑलमोस्ट। सॉलिड सा है लेकिन ये कब तक सपोर्ट करेगा ये तो नहीं पता। ये कौन सा है, 14, 15। मेरे को इस चीज़ में दो चार चीज़ ख़राब लगा है, जैसे ये प्रोडक्ट डैमेज प्रोडक्ट है, जैसे कि ये वाला देखो, ये 8 नंबर देखो, और यहाँ पे ये 14 नंबर के यहाँ पे देखो, ये अगर एक दो बार गिरता है तो टूटने का चांसेस है। और एक कहाँ पे मिला था हमको जिसका क्वालिटी एकदम ख़राब है, ये देखो ये जैसा टेढ़ा है, यहाँ पे देखो ये पूरा डैमेज है। ये कितना नंबर का है रेंज, ये है 19 का। हालांकि उतना ज़्यादा काम में नहीं आता है लेकिन पैसा जब पूरा दिए तो चीज़ भी तो हमारे को पूरा ही मिलना चाहिए ना। सो, इसको तो रिफ़ंड होना ही है, रिफ़ंड करेंगे इसको। नेक्स्ट वाला प्रोडक्ट भी अगर ऐसा ही ख़राब आया तो डेफिनेटली टाटा बाय बाय, अलग से स्पेसिफिकेशन कुछ कुछ मैं मार्क करके रहूँगा, जैसे 10 नंबर वाला 13 और यहाँ पे 14, यहाँ पे है आपका 9 और 10, 15, मतलब दो चार रेंज अलग से, जो अच्छा वाला टपरिया कंपनी का सबसे अच्छा होता है तो वो वाला रेंज हमको ख़रीदना है। तो पहले इसको रिफ़ंड करते हैं, जब फिर वापस आएगा वो उसके बाद वीडियो जो है हम कंटिन्यू करेंगे। जब तक ये प्रोडक्ट रिफ़ंड करते हैं हम, तब तक आप लोगों को क्या करना है पता है, लाइक करना है, शेयर करना है और सब्सक्राइब करना है। नए हैं तो सब्सक्राइब करो, और इंस्टा पे जब अभी तक अगर आप लोगों ने फॉलो नहीं किया है तो जाके यहाँ पे हैंडलर आ रहा होगा, फॉलो कर लो। नेक्स्ट वीडियो जो है जल्दी आने वाला है, 1-2 दिन के अंदर, वो भी अनबॉक्सिंग वाला वीडियो है, वो भी एक प्रोडक्ट का है, यूज़फुल प्रोडक्ट है, वो भी हमने ऑनलाइन से ही मंगवाया है। तो चलो, सो गुड आफ्टरनून। आज है नेक्स्ट डे और कल हमने ये वाला प्रोडक्ट का जो अनबॉक्सिंग किया था इसमें 2-4 पीसेस जो है वो डैमेज निकले हैं। तो मैंने पहले तो सोचा था कि इसका रिप्लेस किया जाए, कि इसी को दे के फिर नया फ्रेश माल मंगवाया जाए, लेकिन फिर मेरे को दिमाग आया, हमने क्या कि यहाँ पर नोट किया है। सो 8 नंबर वाला हमारे को काफ़ी काम में आता है, 13 नंबर काफ़ी काम आता है, 17 नंबर ये भी काम का है, 10 नंबर ये भी काम का है। बस ये 4-5 अलग से अगर कोई अच्छा ब्रांड का हम खरीद लेते हैं तो ये पूरा इतना वेट, इतना लंबा, इतना चौड़ा कैरी करने का मेरे को ज़रूरत नहीं है। ऑल दो काफ़ी सारा विशलिस्ट किया हुआ है मैंने फ़ोन में कि और क्या क्या परचेज करना है बाइक के रिलेटेड, ट्रिप के रिलेटेड, तो मेरे को ये आया आंखों के सामने। तो ये एक स्टोव है, ओवन जिसे कहते हैं, सो ये काफ़ी मेरे को पसंद आया। इसको पहले तो मैं अपने नियरेस्ट कोई शॉप ढूंढूंगा, यहाँ पे देखूंगा कि इसका प्राइसिंग क्या चल रहा है। फ्लिपकार्ट में इसका प्राइस दिखा रहा है 749, और अभी के लिए बात ये है कि ये तो फाइनली रिटर्न हो रहा है और उसके बाद सोचते हैं कि क्या किया जाए। अभी धीरे धीरे करके काफ़ी सारा सामान खरीदना है मेरे पास। मैंने 3 से 4 महीना का टाइम लिया, 3 महीना मिनिमम, 4 महीना मैक्सिमम। उसके अंदर अगर हर एक सेटअप कंप्लीट हो जाता है, उसके बाद अगर फाइनेंशियल हालत अच्छा रहता है तो इस साल। सो
होप कि आज का वीडियो अच्छा लगे, अगर अच्छा लगे है तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर एंड ऑलवेज की स्माइल। टाटा।